हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एनसीईआरटी की तरफ से रिलीज हुई है। इसमें सैलरी फिक्स है 45,000 रुपीज पर मंथ। दूसरे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट भी इसमें वॉक इन इंटरव्यू, तो वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं। एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट वगैरह चेक कर लें, जॉब लोकेशन क्या है एंड डेट एंड वेन्यू क्या रहेगी वॉक इन इंटरव्यू की। तो रिटन टेस्ट भी नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू है। तो एडवर्टीजमेंट की डिटेल इस तरीके से, 45,000 रुपीज पर मंथ वॉक इन इंटरव्यू है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी, कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी दो पोस्ट है, बॉटनी सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट का नाम और नंबर ऑफ पोस्ट आप देख लें, सामने लिखा है जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स मैथमेटिक्स हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन आईसीटी एजुकेशन। एजुकेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो अलग है, और जो नॉर्मल फिजिक्स मैथ्स हिस्ट्री लिखा इनके लिए अलग होगी, तो वो चेक कर लेंगे। पैडागोजी मैथमेटिक्स, पैडागोजी इंग्लिश, पैडागोजी बायोलॉजी, पैडागोजी के लिए अलग रहती है क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। पैडागोजी सोशल साइंस, पैडागोजी फिजिकल साइंस, पैडागोजी हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, गेस्ट फैकल्टी है ये। इसके अलावा परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट, तो ये सारी वैकेंसीज हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की डेट हम चेक डिटेल चेक करेंगे। पहले देखें वॉक इन इंटरव्यू कब है। वॉक इन इंटरव्यू 23 जैन तक चल रही है, स्टार्ट हो रही है 12 जून से, तो सॉरी 12 जून से लेके 23 जून तक, 12 जून से लेकर 23 जून तक वॉक इन इंटरव्यू की डेट अलग 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 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहेगी। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई वो चेक कर लेते हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, तो अजमेर से है ये, राजस्थान से है। तो राजस्थान जिनके लिए पॉसिबल है वॉक इन इंटरव्यू जाना वही जाए, 45,000 फिक्स सैलरी है। इंटरव्यू होगी, रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होता है। क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं, एजुकेशन वाले सब्जेक्ट हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन अलग रहेगी। बाकी जो नॉर्मल लिखा है जैसे केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर या नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स लिखा है उसके लिए तो ऐसे रहेगा, यूजीसी का जो नॉर्म है 55% मास्टर डिग्री में। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट, अगर साइंस नहीं है तो यूजीसी नेट, और अगर आपने राजस्थान की सेट या स्लेट भी की है तो भी आप एलिजिबल होते हैं। कुछ केस में एग्जम्पशन है, जुलाई 11, 2009 के पहले अगर एमफिल या पीएचडी रजिस्टर की है, पीएचडी अगर अब आपको अवार्ड मिल गई है तो एबीसीडी पॉइंट में जो लिखा है उसके हिसाब से, एबीसीडी पॉइंट में जो लिखा है उसके हिसाब से अगर पीएचडी नॉर्म आपके पीएचडी आपकी जो कंडीशंस है पॉइंट एबीसीडी वो सेटिस्फाई करती है तो फिर नेट की जरूरत नहीं रहेगी। बाकी विजुअल आर्ट वगैरह के लिए अलग रहते हैं। जो पैडागोजी वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कुछ अलग है तो वो नीचे चेक कर सकते हैं। इसके नीचे टीचर्स की वैकेंसी है, डिजायरेबल में लिखा हुआ है कि बीएड होना चाहिए, एमएड होना चाहिए वगैरह, ये सभी डिजायरेबल में है। अगर किसी के पास बीएड एमएड है तो अच्छा है। पैडागोजी में अलग रिक्वायरमेंट होती है बट यहाँ पर लिखा नहीं है, तो ठीक है फिर जिनके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से वो जा सकते हैं। तो नेट किया हुआ है अगर आपने किसी सब्जेक्ट से नेट वगैरह किया है या फिर राजस्थान सेट किया हुआ है, स्लेट किया हुआ है 55% मास्टर डिग्री में, तो आप एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू जाना, ये यहाँ पर वेन्यू दी हुई है, इसी वेन्यू पे जाना है। डेट यहीं पर लिखी हुई है, टाइम डेट के साइड में ही टाइम लिखा हुआ है। और अगर बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे टीचर के भी नीचे, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया है पेज नंबर 6 पे। अगर आप ये एडवर्टीजमेंट खुद देखना चाहते हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें। तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो आपको एक गूगल पीडीएफ फॉर्म, ये जो पीडीएफ है इसकी एक गूगल लिंक मिलेगी, वो गूगल लिंक आप क्लिक करें वो ओपन हो जाएगी। क्योंकि वेबसाइट जो है ओपन नहीं हो रही है, कभी ओपन हो जा रही है ऑफिशियल वेबसाइट, कभी नहीं भी हो रही है, तो डायरेक्ट मैंने इस पीडीएफ का लिंक आपके साथ शेयर किया है, लिंक से आप ओपन करके डिटेल्स चेक कर सकेंगे।